एरिया में मैक्सिमम हिंदू ही रहते, तकलीफ हम लोगों को ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत इधर नुकसान बहुत सारा उन लोगों के दुकान वगैरह फोड़े हैं, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं कुछ हुआ है। डर है, बहुत डर है, मतलब मुसलमानों को ही डर है, यहाँ अपने इलाके के हिसाब से बोल रहा हूँ, अपने इधर। भगवान के लिए हुआ, भगवान को ऐसा मंजूर था, ऐसा हो गया, अभी क्या कर सकते हैं इसका। अभी हमको लगता है अच्छा ही लगता है, मज़ा आ रहा है मेरे हिसाब से तो। छुट्टी मिला हमको दुकान में इतना दिन, बस एंजॉय किया बस, और कुछ नहीं। दो चार पांच दुकान तोड़ दिया हम लोग ने, मालूम नहीं और कितना दुकान तोड़ने का आगे जाके, अगर ऐसे ही नाटक हुआ तो। अभी और आगे हुआ तो हम भी काय को नहीं करेगा, सबको चांस मांगता ही ये दुनिया में ऐसे। अभी समझा अभी दुकान बंद है, अभी क्या करने का, चलो दुकान तोड़ेगा, उन लोग ऐसा करते हैं अपन भी करने का है ना। नहीं हमको धमकी का सवाल ही नहीं आता, हम लोग इधर 24 घंटे पुलिस रहते हैं तो हम वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। एक जगजीत सिंह चित्रा सिंह का गजल है ना, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के निकलते क्यों है, जब इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है, अपना वही है। सब पब्लिक लूट रहे थे, अभी कौन लूट रहा था ये मालूम नहीं। हाँ मज़ा भी आ रहा था, और जो सामान लेके जा रहे थे उनको दूसरे पब्लिक बोल रहे थे कि जय श्री राम बोल के लेके जाना। लो कास्ट का ही ज़्यादा था लूटने में, लेकिन जो हाई कास्ट वाले मतलब हाई सोसाइटी वाले उन लोग खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। शाबाशी अच्छी थे, अच्छा ये आज नहीं 10 साल पहले होना था, ऐसा शाबाशी देते थे और लंबा रुक के बस वो जो चीज़ लाते थे खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उन लोग। जो माल लूटा पुलिस वाला भी लिया है, उसको एक विशिष्ट समाज का, कोई भी समाज का नाम नहीं लेते, उसका दुकान का सामान निकाल के जरा देने का। तो यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है तो उनका दुकान, यहाँ उनका जितना भी धंधा है उनको यहाँ धंधा नहीं करने देने का, इसके लिए उनका सब दुकान से सामान बाहर हटाया और जला दिया ताकि बिल्डिंग ना जल सके। वो क्या है, वो लिस्ट बनाया हुआ था कि मीन्स दे यूज टू कम टू नो ना कि मुस्लिम्स मुस्लिम नाम। अभी इतना साल से दुकान इधर है तो मालूम पड़ता है लोग, हम लोग दुकान का नाम दे रहे थे। गवर्नमेंट उसको अगर इतना सपोर्ट करता रहेगा, ये क्या है अरे भैया नरसिंह राव, क्या नरसिंह राव को बोला नरसिंह राव साड़ी पहन के बैठ जाए, क्या बोला नहीं तुमने बताया ना कि साड़ी नरसिंह राव को साड़ी पहनना चाहिए, इसका मतलब क्या है? नहीं साड़ी पहनना वो पाप है। आग अभी बुझी नहीं थी, घायलों की चीखें माहौल में गूंज रही थीं, लेकिन इनसे भी ऊंची गूंज थी इन आवाजों की। सबक सिखा दिया हमने, हम नपुंसक नहीं हैं, चूड़ियां नहीं पहनी हैं हमने, हम मर्द की औलाद हैं। यह फिल्म शुरू हुई थी धार्मिक हिंसा पर रोशनी डालने के लिए, लेकिन अब यह मर्दानगी की पहचान का दस्तावेज भी बन गई है। हमारा देश जिसका नाम भारत है, मैं इसे हिंदुस्तान कहता हूं। जो भाई अपने को हिंदू समझता है उसका धर्म है कि वो शिवसेना को वोट दे, और ये जो शिवसेना है ये हिंदू सेना है।
अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, तो आपका वोट सिर्फ शिवसेना को ही आना चाहिए। दोस्तों मेरे साथ जोर से कहो, गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। गर्व से कहो, भारत माता की। धन्यवाद। पुरुष और हिंसा के बीच का रिश्ता एक ऐतिहासिक सच्चाई है, लेकिन सत्ता हमेशा पुरुषों के हाथ नहीं थी। पुरातत्व की खोज से इस बात के सबूत मिलते हैं कि शुरू में औरत ही सभ्यता का केंद्र थी। औरतें बच्चे पैदा करती हैं, यह तो नजर आता था, लेकिन इसमें पुरुष की भी अहम भूमिका है, इसका किसी को ज्ञान नहीं था। कुदरत की तरह औरत की भी पूजा की जाती थी। मर्द शिकार पर जाते तो औरतें कंद मूल फल इकट्ठा करतीं। शायद यहीं से खेती की शुरुआत हुई। दुनिया की कई आदिवासी सभ्यताओं में आज भी औरत और पुरुष के बीच समानता पाई जाती है। नदियों के किनारे बसी प्राचीन सभ्यताओं के खंडहरों में मातृसत्ता संप्रदाय के संकेत मिलते हैं। सिंधु घाटी की मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की संस्कृति में सबसे महत्व की बात यह है कि यहाँ कभी युद्ध के गुणगान नहीं गाए गए। मवेशियों के पालतू बनने के बाद से सामाजिक सत्ता में बदलाव आया।
लोग अपने मवेशियों को दूसरों के चरागाहों में ले जाने लगे और तभी से युद्ध जैसे जीवन का अंग बन गया। आदमी को अपने वीर्य के महत्व का पता लग चुका था। मर्दों ने नारी शक्ति के प्रतीकों को हटाकर उनकी जगह पौरुष के प्रतीकों की स्थापना कर दी, लेकिन स्त्री शक्ति को पूरी तरह कुचलना संभव नहीं हुआ। जिन पौराणिक देवियों को मिटाना असंभव था, उनसे या तो उनकी काम शक्ति छीनकर उन्हें कुंवारी बना दिया गया, जैसे निष्कलंक माता मरियम, या उन्हें शादी के बंधन में बांधकर घरेलू बना दिया गया। धीरे धीरे औरत मर्द की संपत्ति बन गई। दुनिया भर में राजनीति, शासन, धर्म, साहित्य और कला पर मर्दों का राज हो गया। इसका जिसने भी विरोध किया, रास्ते से हटा दिया गया। यूरोप में सन 1400 और 1800 के बीच करीब 100,000 औरतें जला दी गईं, और वो भी चर्च की सहमति से। इसे नाम दिया गया डाइन दहन। भारत में औरतों को जलाने का चलन इससे भी पुराना है। औरत का पतिव्रत बनाए रखना और जायदाद को अपने ही हाथ में रखने का इससे अच्छा और कौन सा तरीका हो सकता है कि पति के साथ पत्नी को भी जिंदा फूंक डाला जाए। एक बार फिर धर्म ने नारी हत्या की अनुमति दी और इस बार इसको नाम दिया सती प्रथा। मुझे कुंवर बजरंग सिंह तंवर कहते हैं। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय एकता सम्मेलन का संयोजक हूं और दिल्ली में रहता हूं। ऐसे माउंडा कला नीम का थाना के पास, जिला सीकर, राजस्थान का रहने वाला। आप परिचय दें। अपने गांव आपका से क्या संबंध? मैं एक दर्शक के नाते यहां वैसे आया था, लेकिन यहां के जो राजपूत हैं वो राजपूत होने के नाते हमारे एसोसिएशन से संबंधित हैं, और इसी नाते हमने यहाँ की व्यवस्था जो है उसके लिए यहाँ रुके हुए हैं, स्थल की व्यवस्था हेतु। चार सितंबर 1987 को रूप कंवर जी सती हुई, और जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में रामायण के अंदर खास तौर से सती के वर्णन के बारे में बताया जाता है, उसी परंपरा के अनुसार रूप कंवर जी सती हो गई। तो बाद में राजस्थान के अंदर कुछ महिला संगठनों ने सरकार के विरुद्ध यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किए, और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा 16 तारीख को जो चुनरी महोत्सव था उस पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। यह वही लोग कर रहे हैं जो कि हिंदुस्तान के धर्म और रीति रिवाज को नहीं जानते हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी महिलाओं को सवेरे घूमने के लिए कोई अन्य साथी की जरूरत पड़ती है, दोपहर को लंच लेने के लिए किसी दूसरे साथी की जरूरत पड़ती है, और रात को सोने के लिए उन्हें कोई अलग अलग हर रोज तलाश करने पड़ते हैं अपने साथी। ऐसी संस्कृति के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए हमारे सामने खड़े हुए हैं। सती के विरुद्ध ये प्रोपेगंडा जो किया है सरकार और महिला संगठनों ने, ये कुछ विदेशी इशारे पर लगता है कि ये सब कुछ किया जा रहा है और हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी ये प्राचीन संस्कृति रही है कि जब भी हमारे यहाँ कोई सती हो जाती है, उसका चुनरी महोत्सव हो जाता है, उसके बाद में वो हमारे लिए आराध्य देवी होती है और हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं, हमें उससे कोई नहीं रोक सकता। और जो भी सती स्थल हम बनाते हैं उसके अंदर वही व्यक्ति जा सकता है जिसके सर के ऊपर पगड़ी हो, जिसके हाथ में तलवार हो, क्योंकि अगर मुगलों के हाथ उस टाइम राजपूत घराने की नारियाँ हाथ आती तो उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता, इसलिए ये आन बान और शान के लिए हुआ करते हैं। मेरा नाम ओम सिंह राठौड़ है, मैं सती जी का बड़ा ब्रदर हूँ। मेरे सिस्टर जब सती हुई तो हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी,
दीवाला आने के बाद जानकारी मिली, जिससे हमें काफ़ी दुख भी प्रकट हुआ और हर्ष भी हुआ कि एक तो हमारे घर से मेंबर चला गया, दूसरा ये कि हमारी एक लाडली बहन जो जिसे हम काफ़ी प्रेम करते थे, काफ़ी प्यार करते थे, वो हमारे बीच में नहीं रही, इससे हमें क्षोभ भी हुआ। और हमारे जो घर का है माहौल है, जो हमारे माता जी हैं वो काफ़ी धार्मिक पर्वती के हैं, शुरू से ही हम धार्मिक विचार के आदमी हैं, और हमारे से राजस्थान का जो कल्चर है उसी के हिसाब से हम रहते हैं। और जैसे रूप कौर सती माता जो हुई, उन्हें आज से पहले जो हम सिस्टर मानते हैं, अब अपनी मतलब धार्मिक भावनाओं के कारण हम उसे आज सिस्टर की जगह अपनी माता की स्थान देते हैं। वो जब सबकी माता जी हैं तो हमारे भी वो माता जी हैं। मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकता, नाम है गोदारी भाई मेरा। काम तो हम खाना पालते हैं, उगाइए करते हैं, राजपूत मेरे। अभी रूप कंवर सती हुई थी, उसके बारे में कुछ मालूम है क्या? चिता के अंदर बिठा देते हैं उसको, फिर बैठा के फिर उसको पति गोद में ले लेती है। पति गोद में लेके किरण आती है भगवान की, उस किरण से ऐसे कैसे जल जाती है, किरण के ऊपर सत चढ़ जाता है उसको। सत के समय उसको मालूम भी नहीं पड़ती है कि भाई मैं जल रही हूँ, क्या हो रहा है, उसको भगवान का ध्यान रहता पूरा, भगवान की तरफ देखती रहती है। पुलिस वुलिस सब कुछ आती है तो पुलिस नहीं, फिर उसकी सुन सुन के कोई अंधे आते हैं, कोई लंगड़े आते हैं, तो सबको आँखें देती है, अंधे को लंगड़े को सबको पैर देती है, सबको सही करती है। हम तो नहीं मानते कि अपने आप जल गए, जलना कोई आसान बात है। दूसरे ये बताओ कि तुम कर भी क्या क्या काम करती हो? मैं देखो, मैं बीड़ी भी बनाती हूँ, और कोई गोटा किनारी का काम आ जाता है जैसे कपड़ों पे लगाने का तो वो भी लगा लेती हूँ, और ये फर्श वगैरह में इनमें हाथ बटाती हूँ, ये भी करती हूँ, और बस और घर का काम तो है जो है ही वो, तो उनके अलावा ये भी काम करती हूँ। ये सत्य नहीं होना चाहिए, ये सारी कानून कार्रवाई और सारी शक्ति औरतों के ऊपर ही है क्या? औरत आदमी का प्रेम की वजह से औरत सती हो जाती है, तो फिर क्या आदमी का प्रेम नहीं औरत के ऊपर? औरतों भी बहुत मरती है, आदमी को भी कभी सता होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता? ये घोर अत्याचार हो रहा है, नहीं होना चाहिए, और अगर आदमी मर भी गया तो औरत तो खुद मजबूत होना चाहिए, और अपने आप कमा करके कमाने की शक्ति रखना चाहिए, और कमा करके खाना चाहिए और जीना चाहिए, और मरने से कौन सा वो जरूरी सती थोड़ी कहलाती है। सती तो यही है कि घर में औरत आदमी प्रेम से रहना चाहिए, और आदमी की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, और आदमी को भी औरत की बात मानना चाहिए। तो दोनों जब पहिए गाड़ी के दोनों बराबर चलते हैं तो गाड़ी बराबर चलती है, जब एक नीचे ऊपर उतर जाता है तो बात खराब हो जाती है। तो हम तो गलत ही समझते हैं बाबा, लेकिन ये चक्कर एक मेरे गलत समझने से क्या, 100 में से आप पूछोगे तो 2 औरत तो गलत बताएगी और 98 औरत सही बताएगी, वही सती सही है। आज किसी को देश के बारे में जलाई जाती है और किसी को क्या बारे में मारी जाती है, और अगर छोटी उम्र में विधवा हो गई तो ससुराल वाले क्या सोचते हैं कि राजपूता में तो ज़्यादा होती है, कि वो तो नहीं तो बाहर जा सकते, बाहर नहीं निकालते काम करने के लिए, और अगर अंदर बैठी रहेगी तो उम्र भर उसको रोटियां कौन देगा? अगर दूसरा घर कर लेगी तो उसकी बदनामी होगी, इस कारण से वो तो उनका पत्ता ही काटने के लिए उसको उनके साथ में जला देते हैं, कि ऐसे कोई चीज़ें मुझे नशा पता के खिला देते हैं, खिला करके खूब ढोल नगाड़ा बजाते हैं, वो उसमें मगन हो जाती है, नशे में कुछ लकड़ा ऊपर लगा देते हैं, फिर वो जलने लगती है, तो फिर कहाँ से तो वो भगेगी, कौन भगने देगा? तो ये जलाते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा, मंदिर बनेगा,
कुछ चढ़ावा आएगा, नारे लाएंगे, पैसे आएंगे, कपड़े आएंगे। सती रूप कंवर जी खाली सती ही नहीं, वो एक देवी शक्ति थी, वो दुर्गा का अवतार थी और वो इस 11 तारीख के बाद में खुलेआम लोगों के जो भी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आएगा, जो भी मांगेगा उसे प्राप्त होगा। पैसा चढ़ाने की 10-5 पैसा वो चढ़ाए और जिस भी इच्छा से वो आएगा इच्छा पूर्ति होगी। सरकार ने इस बात पर जोर दिया और यहाँ मंदिर नहीं बनने दिया, तो ये राजस्थान का शांति प्रिय क्षेत्र जहाँ कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इस निरोधक अध्यादेश के लागू होने से पंजाब बन जाएगा। रूप कंवर का सती होना एक अजीब सी घटना कहकर टाला जा सकता है, लेकिन इस घटना ने हिंदुत्व के लिए संजीवनी का काम किया। कुछ ही सालों बाद अयोध्या में भी वही नारे गूंजने लगे, तलवार निकली है म्यान से, मंदिर बनेगा शान से। सती प्रथा का प्रमाण ऋग्वेद के दशम मंडल में, अथर्ववेद के 18वें कांड में, सुन लो कान खोल करके, हमारे तुम्हारे सबके नगर दादा कह रहे हैं ये सती माता जब तक भारतवर्ष के अंदर में प्रज्वलित बन्ही के अंदर में वेद की आज्ञा को स्वीकार करते हुए बिल्कुल साक्षात भस्मीभूत होती रहेगी, तब तक सनातन धर्म का कोई बाल बांका करने वाला है। अब हमें काफी हर्ष है और काफी अच्छा लगता है कि हमारे हमारी एक छोटी बहन ने हम लोगों के, हमारे परिवार वालों का नाम उजागर कर दिया, हमारे परिवारों के सदस्यों का, हमारे रिश्तेदारों का नाम वर्ल्ड में, पूरे संसार में नाम ऊंचा कर दिया, इसे हमें हर्ष है। पति की सेवा करती है उसको सच्चरता, बुरा हो अगर बुरा बुरा कुछ भी हो उसके लिए तो बुरा भी अच्छा रहता है, वो उसी को सच्चरता है। वो समझती है उसका आदमी उसको मारता है कूटता है, फिर भी उसको आदमी को पति देवता मानती है, उसकी सेवा करती रहती है। फिर भी बहुत से आदमी शराब पीते हैं, उसको मारते हैं शराब पी पी के आके, फिर भी आदमी की वो सेवा करती रहती है, तो उसी को सच्चरता है। चाहे वो कितने मानो, वो तो कहती है मेरे लिए तो भगवान है। हजारों वर्ष पहले रचे गए हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में इस बात का जिक्र है कि सवर्ण आर्यों ने काली चमड़ी वाले दस्युओं को युद्ध में हराया। प्राचीन सभ्यताओं को इंद्र और अग्नि जैसे युद्ध के देवताओं ने भस्म कर दिया। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था यानी जाति प्रथा की स्थापना हो गई। संस्कृत में वर्ण का अर्थ होता है रंग, इशारा है चमड़ी के रंग की ओर। यानी वर्ण व्यवस्था का खास मकसद था कि आर्यों की राजनैतिक शक्ति और उनकी कौमी शुद्धता बनी रहे। शायद इसी कारण औरतों की आजादी छीन ली गई, निचली जाति के साथ शादी करने पर सख्त मनाही थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा के शुरू होने का मकसद भी यही था कि खून में मिलावट न हो। ज्ञान यानी शक्ति, ऊंची जातियों के बेटे ही जनेऊ पहन सकते थे क्योंकि ज्ञान पर सिर्फ इन्हीं का अधिकार था। औरतों और शूद्रों के लिए इस ज्ञान प्राप्ति पर पाबंदी लगाई गई। हिंदू समाज सुधारक स्वामी अग्निवेश सती प्रथा के विरोध में देवराला की ओर बढ़ रहे हैं। जो पुलिस सती समर्थकों को रोक नहीं पाई, वही अब सती प्रथा के विरोधियों को रोकने के लिए
कानून और व्यवस्था की दुहाई दे रही है। यह हमारा अपराध है, यह हमारा अपराध है जिसकी वजह से इन बहनों तक आज ये चेतना नहीं पहुंच सकी कि तुमने समाज के अंदर उसी तरह से स्वाभिमान पूर्वक मुंह खुला करके चलना है जिस प्रकार से देश के और हिस्सों में माताएं बहनें चल रही हैं, जैसे और दुनिया के किसी हिस्से में माताएं बहनें चलती। हम ये चेतना इन तक नहीं पहुंचा सके। कितना काम अधूरा पड़ा हुआ है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूर खड़ा हुआ है, ऐसे देख रहा है जैसे कोई दूरबीन लगा करके पर्दे के पीछे से। अरे देवराला, तो तुम गई भी नहीं और तुम देखी भी नहीं, सुना होगा सही गलत, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे अपने घर में जब लड़का पैदा होता है तो क्या करती हो? बड़ी खुश होती है। लड़का का पैदा होना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और उसी माँ बाप से जब मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में जिस दिन लड़की पैदा होती तो क्या करती हो? बोलो। ये कह रही जैसे भाटा आया पत्थर आया। लड़की का पैदा होना, घर में ठीकरे फोड़ते हैं, ठीकरे फोड़े जाते हैं जब घर में कोई मर जाए। अभी हमारे टीवी के ऊपर एक रामायण दिखाया जाता है, अखबारों में आता है कि वो काम रुक गया रामायण देखने के लिए। अच्छी बात है साहब, लेकिन उस रामायण के बनाने वाले ने कुछ घोषणा की है जिससे हमें चिंता है। वो कहता है कि मैं इस रामायण के सीरियल में सीता का एक अग्नि परीक्षा दिखाऊंगा। मैं पूछना चाहूंगा उसके बनाने वाले को, हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया अपने रामचरितमानस में, धोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये ढोल की तरह से पीटे जाने के अधिकारी है। मत गाओ उन दोहों को। नारी उत्पीड़न का अंश आपकी किताबों में, शास्त्रों में, आपके वचनों में कहीं आया है? हमारी प्रार्थना है उन चीजों को तुम मिटा तो नहीं सकते, उन किताबों से निकाल नहीं सकते, लेकिन ये जरूर कहो कि ये हमारी अब मान्यता का हिस्सा नहीं है। हम सबका है ये ऐलान, नर और नारी एक समान। हम सबका है ये ऐलान, नर और नारी एक समान। अहमदाबाद में भगवान कृष्ण की रथ यात्रा के दौरान हर साल हिंसा भड़कती है, क्योंकि वहां के हिंदू नेताओं की जिद है कि रथ यात्रा मुस्लिम बस्तियों से होकर ही गुजरेगी। मुस्लिम एरिया जो जमालपुर, दरियापुर और ढालगवा, ये लोकेलिटी ऐसी थी जो मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम कंबाइंड लोकेलिटी, तो वहां पर मुसलमान बहनें बच्चे उन लोगों को कह दिया कि भाई तुम रोड पर नहीं आने का, और नौजवानों को कहा कि जब भी रथ यात्रा निकले तुम एक साइड में खड़े रहना और रथ यात्रा आसानी से निकल जावे, इस तरह से तुम कोशिश करना। हमारे नौजवानों ने कोशिश भी की, रथ यात्रा जब आई, जब हम लोग भी हाजिर रहे, और नौजवानों को पहले से कह दिया था कि अगर कोई भाई लोग मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए, सूत्र लगाए, तो तुम्हें खामोश रहने का है और आसानी से रथ यात्रा निकल जावे, ऐसी कोशिश करना। सभी भाग गुजरात की जनता मेरे को धार्मिक लीडर मानती है और मैं काम करता हूँ। 85 की साल में आपको याद होगा कि परमिट नहीं दी थी, बिल्कुल सरकार ने परमिट नहीं दी कि कैसा भी हो परमिट नहीं मिली, फिर भी मैंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे हमारी गाड़ी पर हम भगवान का फोटो रख कर भी हम निकलेंगे, और कर्फ्यू का समय था, लश्कर के हवाले से था, फिर भी रथ यात्रा निकली थी। फिर चारे बाजू ये हुआ था
कि पहला होमगार्ड की लाइट, उनके पीछे पुलिस, उनके पीछे लश्कर, तो पुलिस वहाँ नाड़ी रख दी। तो एक हाथी ने, एक साधु ने इशारा कर दिया, तो हाथी सामने जाकर उस गाड़ी को तो भटका दिया। हाथी ने जीप को उड़ा दिया। हाँ, जीप को हटा दिया अपनी ताकत से। बड़ी जीप इतने बड़ी वान थी, उसको हटा दिया। वो तो टेलीविजन में भी आया था हाथी ने जो किया। तो फिर पुलिस ने कहा साहब अब भगवान की इच्छा है, बाहर तो निकल कर जाने दो, पुलिस साथ में होगी। तो एक तो क्षत्रिय था, अच्छा था इंस्पेक्टर, नीचा मूर्ख कर बोलते थे, उसकी आँख में आंसू भी आ गए, धर्म का कार्य। तो लश्कर भी साथ में हो गया, रथ यात्रा निकल गई शांति से। हाँ, कुछ पत्थर मारा किया था उन लोगों ने, मुस्लिमों ने, तो वो तो लश्कर की गोली तो खाली कभी नहीं जाए, आठ को गिरा दिया। लश्करों ने फिर मुसलमानों को मारा। हाँ, उसमें तो कोई उपाय नहीं है। कहते हैं कि दंगों में जितने लोग मारे गए हैं इनमें से संख्या मुसलमानों की ज्यादा है। नहीं, ऐसा होता है, मुसलमान ज्यादा मरते हैं वो तो सही, लेकिन मरते पुलिस के हाथ से, क्योंकि हिंदू के हाथ में शस्त्र ही नहीं है। और हिंदू प्रजा, आप जानते हो कि चींटी को आटा डालती है हिंदू प्रजा, कौवा को वो लोग दूधपाक खिलाते श्राद्ध पक्ष के अंदर। ये प्रजा कोई मनुष्य को मारने का विचार भी नहीं करे, उनका धर्म नहीं कहता है ऐसा, क्यों ये वेजिटेरियन है हिंदू प्रजा, इसलिए वेजिटेरियन झट गर्म नहीं था, जैसे हाथी में बहुत ताकत है लेकिन वो गर्म नहीं होते। एक और बिल्ली, वो नॉन वेजिटेरियन है तो झट गर्म हो जाती है, ताकत कम है लेकिन गर्म हो जाती है। इसलिए हिंदू प्रजा कायर नहीं है लेकिन उन्हें क्षमा का गुण है। हमको तो जज्बा चढ़ता ही नहीं, आज हमारा चला गया तो जिसका जाएगा उसका कलेजा जलेगा। ही तो जब हिंदी राजी द्वारका आई थी तो मैंने एक माला उसको अर्पण दी थी, इसलिए बात मेरे सामने रखी। हिंदी राजी में शक्ति बहुत थी। एक भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल है, ये बाबू भाई जसवी है, उसको मैं तिलक कर रहा हूँ। गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, राजनीतिक जितने आदमी हो मेरे साथ संबंध रखते ही, और मैं जो काम बताता हूँ वो करता है। मेरा अंगत काम कभी होता नहीं है, लोगों का काम होता है, सच्चा काम होता है वो मैं करता हूँ, कहता हूँ और वो करते हैं। यदि जो सच्चा काम मेरा ना करे तो मैं उनके खिलाफ उनके विस्तार पे चुनाव में जाके 15-20 सभा कर दूँ तो वो हार जाए, इसलिए वो मेरा काम सब करता है, वो मेरे साथ जमता है, इसलिए मेरे को सफलता मिलती है। परम पूज्य शंभू महाराज, या हिंदुत्वाचा प्रचार करण्यासाठी आणि शिवसेनेचा प्रचार करण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। या भागामध्ये आमचे अनेक गुजराती बांधव आहेत। शंभू महाराज जी, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की या निवडणुकीमध्ये गुजराती आणि मराठी हा वाद केव्हाच संपलेला आहे, हा वादच आता बाकी राहिला नाही, कारण हा देश हिंदूंचा राहावा असं म्हणून तो हिंदूंचा राहणार नाही। या मुसलमानांचा बंदोबस्त जर करायचा असेल तर बांधवांनो आणि भगिनींनो तो भाषणाने होणार नाही, तो ताकदीने करावा लागेल, आणि ही ताकद फक्त शिवसेनेजवळ आहे। आदेशना संत साधुए एज काम कर्यु छे के धर्मिष्ठ राजाए राज कर्यु त्यारे साधु संतोए भजन कर्यु, अधर्मी राजाए राज कर्यु त्यारे साधु संतोए जनताने जागृत करी।
हिंदुओ तमे विचार करो, आ कोई परिवार नियोजन करावता नथी। आ 30 वर्षना आंकड़ा बहार पड़ा छे। आ रीते आपणो घटाड़ो ने एमनो वधारो थाय, थोड़ा ज वर्षमां आपणे लघुमतीमां आवी जईशुं। હું તો તમને આશીર્વાદ આપું છું કે તમારે એક એક ને આઠ આઠ છોકરા થજો, અને એમને એકેકાને આઠ આઠ થજો, અને કડવી વેલની માફક તમારો વંશ વધજો, અને એ રીતે આ દેશને આપણે હિન્દુ રાજ્ય બનાવવું છે। આ દેશ જો હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનશે એની સાથે બધી ઉપાધિ દૂર થઈ જશે। કોઈ પણ હિન્દુ કુટુંબ નિયોજન કરાવશો નહીં, આ મારી તમને વિનંતી છે। Center for Astrological Research and Development, known as CART, is an organization with an intention to give astrology to the common man. The epic Ramayana refers to this Putrakameshti Yaga. King Dasharatha didn't have any sons to rule the kingdom, and after this Yaga, he got sons. Admission to this yaga was restricted only to childless couples. We invited applications and we got about 5,000 such applications. After feeding all the data into the computer, we selected 1,130 applicants participating. I am actually an industrialist from north of Delhi, and that's what I'm doing presently. I'm managing the family business. I've done my MBA, and after that I went to the London School of Economics for doing a master's in finance. We have tried the medical side, and there wasn't much that the medical science could do for us because everything was normal. So when we said, let's try this, in the olden times, say, during the times of Mahabharat, they used to say mantras, which I personally feel were nothing but equations for making weapons, like we have nuclear warheads. So that was, I personally feel that even at that stage we were very advanced. But we have lost that somehow over the ages, because we were ruled by so many different people and we just lost that. So they're talking of sound vibration. Basically, when they're talking of the mantras and that we have to concentrate on that, it's basically just sound vibrations, you know, which the body has to absorb. And you have ultrasound, then you have all kinds of things. So these are also just, it's just sound vibrations. The vibrations of the Sandhana Gopala mantra is acting directly on the genital organs of a person. The intention of the Sandhana Gopala mantra is to get a child. And the progeny can be male or female depending on their intention. They should have faith in the yaga. Basically, this is a yagya for a child. And a child in the olden mythology is called a putra. Putra means a son. Because this was conducted earlier by King Dasharatha, who was Lord Rama's father. And he in turn got four sons. Their main claim is, not only will you get a son, but the progeny which you will get will be of a very, very high quality. That is what is the most exciting thing about this. मुझको तो लड़का ही पसंद है, because he can look after the business and he can look after the family.
a lot of Hindus believe that there will not be salvation unless the sun lights their pyre. So on the face of it, it seems that it is more towards the male. But if you compare this to the Muslim religion, I think in India the Hindus are getting a very good deal. The women can go anywhere. They are allowed to participate anywhere. They have full votes. They can wear anything. They can wear anything. And they can they cannot be divorced very easily. But I think we are very liberal. The Hindus now, the Hindu of today, is extremely liberal. And I think that is one reason why Hinduism has become very mild. I think this must be the only country in the world where the minorities enjoy better rights than the majorities. Most of the couples I hear, because of their wives, men are generally more cold-hearted and they've got a hard head and they think sense and they have much less faith than their wives. Anyway, in our Indian society, women generally don't work. Say 99% of the women who've come here are not working. So they are the people who really feel that vacuum and who need a child. Man is, he goes out on the job, he comes in the evening, he's least bothered. They're very highly educated people here. I mean, everybody is so highly educated. They're doctors and they're lawyers and they're people who are working with the Syndicate Bank and the Canara Bank. I mean, everybody's a postgraduate. National Thermal Power Corporation and atomic power plants. So, if this thing has anything like 20-25% success, possibly we are seeing history being made. के दौरान शिया मुसलमान 7वीं सदी में शहीद हुए अपने रहबरों का मातम मनाते हैं। मर्द खुद को घायल करते हैं। दर्द बर्दाश्त करना धार्मिक फर्ज तो है ही और शायद लड़कों के मर्द होने की निशानी भी। उन्नीस सौ चौरासी में मेरे शौहर ने मुझे ज़ुबानी तलाक दे दिया था, तो तब से मैं अकेली रहती हूँ। और कोई लिखा हुआ तलाकनामा नहीं था और इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया ये तय करना कि मैं शादीशुदा हूँ या तलाकशुदा। और मैंने 3 काजियों से भी सलाह ली इसके बारे में और उन तीनों ने मुझे अलग अलग राय दी। इसलिए मैंने सारी कानूनी चीज़ें पढ़ना शुरू किया, हदीस कुरान, और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हिंदुस्तान को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें औरत मर्द सबके लिए बराबरी है, चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो। लेकिन मुस्लिम कानून जो है उसमें औरत को एक दूसरा दर्जा दिया जाता है, इसलिए मैंने ज़ुबानी तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और फिर लॉयर्स कलेक्टिव नाम के संगठन में काम करने लगी। और क्योंकि मुझे मुस्लिम लॉ की बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत सी मुस्लिम औरतों के केस मेरे पास आने लगे
किसी का तलाक हो गया था, किसी को यूं ही घर से निकाल दिया था, किसी का केस चल रहा था मेंटेनेंस का। तो पहले पहले सभी औरतें एक दूसरे से बहुत खींची खींची रहती थी, तो हमने ऐसा शुरू किया कि अपने बारे में बोलना। तो वो लोग राजी नहीं थे बोलने को, तो मैंने ही शुरू किया। उनको पता नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। फिर सब बोलने लगे। कई औरतों को तो ऐसा भी लगता था कि अपनी बेटी को कचहरी में नहीं भेजना चाहिए, कोर्ट कचहरी में, क्योंकि वो जो तलाक की बात है या वो बुरी मानी जाती है ना, जैसे कि भैया इस औरत ने कुछ किया होगा या ये औरत समाज के बाहर है। अभी हमको लगा कि हम सब समाज के बाहर है, अगर बाहर है तो एक दूसरे के हम बहुत करीब हो गए। और सब यही रहते हैं ना, कोई पहली गली में रहता है, कोई तीसरी गली में। अभी वो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नहीं, अगर वो ठीक से नहीं भेजेगा तो मेरे ख्याल से कटने दो भाड़ा, क्योंकि 1000 रुपये में थोड़ी घर चलता है। चलो घर हो गया है, एक अच्छी बात होगी। और कितना पैसा देने के लिए? 1000 रुपये अभी का दे दिया। हाँ, अभी का दिया, अगस्त का भी दिया। और 1000 रुपये बर्तन वर्तन के लिए दिया। आपका मतलब ये है कि औरत और मर्द दोनों एक लेवल के हैं? आप कहना ये चाहते हैं, समान समझते हैं कि हमारा इस्लाम में औरत का मुकाम जो एक पर्दे में रहने वाली औरत, एक नाजुक तबीयत की औरत, वो है जो घरेलू काम करे और अपने शौहर के साथ में अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बिताए, अपने बच्चों की परवरिश करे, वहाँ तक उसका काम है। आप लोग जो 20वीं सदी में ले जा रहे चाहते हैं कि भाई मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। तो आज चलो मैं आप ही को सवाल पूछूं कि मर्द और औरत की कुदरत ने जो उसकी नज़ाकत, उसको जिस्म, उसका नाजुकपन जो बनाया, कुदरत ने दोनों को बराबर नहीं बनाए दोनों, तो फिर मर्द तो दोनों को कहाँ से बराबर बना सकता है? आज मर्द और औरत दोनों को सामने अगर ताकत के मुकाबले में या कुछ लड़ा जाए तो औरत सवाल ही पैदा नहीं तो हो सकता है। और औरत जो है, इस्लाम हमारा ये कहता है कि औरत को पर्दे में रखो, तुम्हारी जो मिल्कत है उसको पर्दे में रखो और जो इबादत है उसको पर्दे में रखो। तो हम ये बेस पर औरत को मुकाम तो ऊँचाई देते हैं। सामने वाला इस्लाम के पॉइंट लेके अपने को नीचा दिखाता, तो अपन उनको कानून से बराबर सही करके बात करके उनको ये करो ना कि भाई कौन सा कानून से तुम ऐसा ये करती हो। औरत तो अभी कौन से जगह नहीं है, आज औरतें ही सबसे ज्यादा कमा रही है, सबसे ज्यादा ताली की नहीं। ये तो मजहब के नाम पर औरत का ही नुकसान करते, चाहे वो सती का सवाल हो या तलाक। ऐसा है ही नहीं अपने इस्लाम में कि चलते फिरते तलाक हुए, वो उसके कानून है, मगर सिर्फ यहाँ पर तलाक के कानून पास है। एक ऐसी भी बात है ना यहाँ भी और हर मुस्लिम एरिया में कि वो लोग अपने आप में ही रहते हैं, उनके पास सब कुछ है। जैसे यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, बाजार भी है, ही है, हर चीज़ यहाँ पर है, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बाहर क्या हो रहा है यही नहीं मालूम, सिर्फ जो पेपर पढ़ते हैं, और पेपर उर्दू पेपर होते हैं, और औरतों के बारे में तो कुछ होता ही नहीं है। फिर एक और बात होने लगी उसके अंदर कि इतने दिन, समझो 6 महीने तक उनसे बात करने के बाद, पहले जब वो लोग बात करते थे सिर्फ ये था कि मुसलमान मुसलमान ना, इस तरह के अपने आप को एक औरत की तरह नहीं देखते थे वो लोग, मुसलमान की तरह पहले देखते थे कि ये इसलिए होता है क्योंकि मुसलमान हो, वो इसलिए होता है कि तुम हिंदू हो। तो काफ़ी चर्चा करने के बाद कि सभी औरतों के सवाल एक जैसे, सभी औरतों पर जुल्म होता है, हमारा कल्चर अलग है लेकिन जो दमन होता है, जो जुल्म होता है वो एक ही है, तो वो लोग उनमें वो कॉन्शियसनेस आया थोड़ा सा। लेकिन वो 6 महीने की चीज़ पे पानी फिर गया जब एक फसाद हो गया। फसाद के बाद फिर वो लोग उसी तरह से सोचने लग जाते कि हम हिंदू हैं वो मुसलमान है, हम मुसलमान हैं वो हिंदू है, इसलिए ऐसा होता। जब भी दंगे हुए हैं इन बड़ी बड़ी इमारतों में कभी आग नहीं लगती, अगर जलते हैं तो गरीबों के झोपड़े जलते हैं, अगर मारा जाता है तो मजदूर और आम आदमी मारा जाता है, और अगर सिर्फ मुसलमान मारा जा रहा है तो हम खुश हो जाएं, सिर्फ हिंदू मारा जा रहा है तो हम खुश हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि दंगों की बुनियाद समाज से पहले हमारे दिमाग में है। एक बात बिल्कुल पक्की होनी चाहिए कि हम किसी इंसान को अपना शत्रु नहीं मानेंगे। हमारे धर्म का मानने वाला खुद हमारा आदमी दूसरों के खिलाफ कुछ भी कह रहा हो, अगर वो नफरत की बात कर रहा है, अगर वो दंगा भड़काने की बात कर रहा है, तो हम उसकी बात हरगिज हरगिज नहीं सुनेंगे। हमें संघर्ष अपने भाइयों के खिलाफ नहीं करना है, संघर्ष करना है तो उन लोगों के खिलाफ करना है जो गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं।
साथियों, जातिवाद के खिलाफ एकता के तरफ से ये आजाद मैदान से जुलूस निकला है और ये पहुंचेगा कल शाम को थाना में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति जिंदाबाद 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 अवामी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम साहिर सिंह शेखावत है। वैसे मैं सत्य स्थल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला हूँ। जब जो ही मैंने ये सुना कि देवराले में सती रूप कुमार सती हो रही हैं, तो मैं दौड़ के वहाँ पर पहुँचा। देखता हूँ आगे हज़ारों आदमियों की भीड़ थी और सती रूप कुमार जो हैं वो अपने सीने तक जल चुकी थी। ये मेरी ज़िंदगी का स्वर्णावसर था। सुना करता था कि सतियाँ होती हैं, मगर ऐसा चांस मुझे पहले देखने को मिला जब सती होती हुई देखा। मैं सुनता था कि सती ज्यों ज्यों जलती है वैसे वैसे उसके बदन के कपड़े जलते हैं। मैं जब पहुंचा तो सती सीने तक जल चुकी थी और उसके बदन के जो कपड़े थे वो भी सीने तक जले हुए, सीने से ऊपर नहीं जले थे। उसके बाद देखा कि सती रूपकुंवर हंस रही हैं और क्योंकि जनता जय हो के नारे से लगा रही थी कि कुछ उनका जो आदेश था या उपदेश था वो हमारे सुनने में नहीं आया। अपने फोटोज कहाँ मिले? सत्य होती है ना वहाँ मिलते हैं। देखो इसमें किरण आ रही है भगवान की, इसके किरण से ही इसका चिता जलता है। जब ये सती इसमें जलती है ना ऐसे नहीं जलती है। आपको नहीं लगता है कि नकली बनाए हैं? नहीं, नकली नहीं है, उसी की जो सत्य हुई है ना उसी की सूरत है। वो अपना पति को लेके बैठी है, वो ही है। देखिए उसको फोटो को अच्छी तरह देखिए और जो दोनों फोटो को जोड़ के बना है। फोटो जोड़ के नहीं बना सकते, भगवान सिर्फ उसी को दिखता है ना, औरों को तो नहीं दिखता। को नहीं दिखता है। तो ये बताइए कि फोटो में कैसे आ जाएगा? फोटो में तो आएगा, सामने से किरण फेंकते हैं तो फोटो खींचते हैं ना तो किरण में आएगा जरूर, इसीलिए तो फिर पता चलेगा भाई भगवान है। तो ऐसा पता कैसे चलेगा ये भगवान है? मगर फोटो में भगवान कैसे आएंगे अगर औरों को नहीं दिखाई देता? औरों को नहीं दिखेगा, फोटो में जरूर आएगा। ऊपर पेड़ों पर रहते हैं ना पास में, तो उनको फोटो में खींच जाएगा, पता नहीं चलता फोटो वालों को भी भाई इसमें ये है भगवान। तो फोटो में अपने आप आ जाएगा, जितना इनका मिंदर है वो भी आ गया, फोटो में ये है भगवान वो भी आ गया। देखो चिता सारे जल रहे हैं, वो भी तो दिख रहे हैं नहीं है? ये भगवान नहीं दिखेगा तो फिर कौन मानेगा भाई ये इस किरण से जली है कैसे जली है? हम तो जयपुर में आने के बाद प्रौढ़ शिक्षा से ही 3 महीने से पढ़े हैं। मैं तो साहब मेरा नाम ही नहीं लिखना जानती थी। 3 महीने के अंदर इतनी तो ज़्यादा नहीं पढ़ सकी हूँ कि धड़ाधड़ पढ़ लेती हूँ, लेकिन अगर साफ साफ लिखा हुआ होता ना अच्छा तो पढ़ लेती हूँ। हम चाहे कितनी परेशानी में हैं लेकिन 3 लड़की है, मेरे तीनों को पढ़ाई, एक को 7वीं पढ़ाई, ये दूसरी को 6ठी पास करवाई और ये 3री पढ़ रही है। छोटा लड़का 13 साल का वो 8वीं पढ़ रहा है। उनके लिए हम सोचते हैं जितनी ये पढ़ेगा उतनी पढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे आगे, उनका भविष्य उनका तकदीर, हम क्या कर सकते। तो ये लड़की आपके आगे पढ़ना नहीं चाहती है? नहीं, आपको बताया ना, अगर लड़की भी पढ़ना चाहे हम भी पढ़ाना चाहें तो फिर आगे के लिए हमारा इतना देन लेन भी तो चाहिए ना। आगे हम पढ़ा लिखा लड़का ढूंढेंगे
तो इतना देंगे कहाँ से? आजकल दहेज कितने मांगते हैं। जब लड़की को ज्यादा पढ़ा दिया तो फिर पढ़ा हुआ लड़का चाहिए हमको, तो वो मांगेगा हमको 10,000 का दहेज चाहिए, तो हम कहाँ से देंगे? क्या है, अपनी बहुत सी नई औरतें हैं ना जिनको आप लोग नहीं जानते, जो मेरे ऑफिस में आती है अपने केस लेके। मेरा नाम रूबीना, मैं पांचवी में हूँ। मेरा नाम शहनाज है, मैं लॉयर्स कलेक्टिव में काम करती हूँ और आवाज़ रिस्मा की मेंबर हूँ। मेरा नाम निर्मला है और मैं रेनुमा की मेंबर हूँ, बैंक में नौकरी करती हूँ। ये है अपना बहुत ही मशहूर दीपक, वो गाना भी गाते हैं। धर्मयुद्ध यानी जिहाद, इसका सीधा संबंध मर्दों से है। यहूदी और इस्लाम धर्मों ने तो अपने पूर्वजों की देवी प्रथा को खत्म ही कर दिया। भारत में देवियां तो मौजूद हैं, मगर यहां भी वे पितृसत्ता के लक्ष्य को पूरा करती दिखाई देती हैं। नारी शक्ति के सिद्धांत को पूरी तरह नकारा नहीं जा सका। आर्यों के भी पहले से चली आ रही तांत्रिक प्रथा में नारी शक्ति की अहमियत बरकरार है।
आज भी देश को पितृभूमि नहीं मातृभूमि कहा जाता है। अंग्रेजों ने शांतिप्रिय हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाया। वे हिंदुस्तानियों को, खास तौर से हिंदुओं को, नामर्द, कमजोर और कायर कहते थे। अंग्रेज सिख, पठान और राजपूत जैसी लड़ाकू जातियों की खुलकर सराहना करते थे। उभरती भारतीय राष्ट्रीयता को अपनी मर्दानगी सिद्ध करने की धुन सवार हो गई। गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे ने घोषणा की कि उसने देश के माथे पर लगे हुए नपुंसक अहिंसा के कलंक को धो डाला है। कायरता के आरोप से चोट खाए राष्ट्रवादियों ने अपने ऐतिहासिक वीरों का मिथक बनाना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी में एक ही समानता थी कि इन सभी वीरों ने मुसलमान शासकों से टक्कर ली। आज इस बात को कोई याद नहीं करता कि शिवाजी की सेना में मुसलमान सिपाही भी थे और उनके दुश्मनों के साथ हिंदू सिपाही। आज शिवाजी हिंदू पौरुष के प्रतीक बन चुके हैं। स्वतंत्र हिंदूंचं सिंहासन तू निर्माण केलं नाहीस, तर अनेक देशभक्तांचे बळी देऊन तू निर्माण केलेलं हे स्वधर्म राज्य, जागृत झालेलं हिंदूंचं स्वत्व, उरला सुरला देश सारं सारं त्या यवनांच्या लोंढ्यात पुन्हा वाहून जाईल। जय जय रघुवीर समर्थ। ज्या वेळेला देशावरती ज्या ज्या वेळेला गंडांतर आलेले आहेत, आक्रमण झालेले आहेत, त्या वेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे। शिवराय नसते तर सगळ्यांची सुमता झाली असती। जब न होत शिवाजी तब सुन्नत होत सबकी। आज आमचे आंबेडकरांची जयंती आहे, महानिर्वाण। बरं, आमच्या रामाचं जे वर्णन केलेलं आहे, आमचं कृष्णाचं जे वर्णन केलेलं आहे, त्यांच्या त्या रिडल्स इन हिंदुइझम। तुम्ही सांगा, रामाबाबतीत तुमच्या मनामध्ये जे काही एक भावना आहे, कृष्णाच्या बाबतीत तुमच्या मनामध्ये एक जो आदर आहे, प्रेम आहे, भावना आहे, ती भावना ह्या पद्धतीत जर उद्या कुठे छापली गेली तर तुम्ही ते सहन कराल का? हा आमच्या धर्माचा अपमान आहे। आता सहिष्णुवादी राहता येणार नाही, सहिष्णुपणा आमचा संपला, जळून तो खाक झालेला आहे। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। सैटेनिक वर्सेस सलमान रजदी की लिखी हुई जो किताब है, उसके कुछ इख्तसाबात जो है 15 सितंबर के इंडिया टुडे में छपे थे और उस शुमारे पर हमारी सबसे पहले नज़र पड़ी। और इस मुंबई शहर में क्या पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले इस रजदी के खिलाफ हमने एहतजाज किया है और हुकूमत हिंद ने उस किताब को आज से 3 महीने पहले बैन कर दिया। ये शख्स बहसीयत मुसलमान हमारे खुदा की जो अपने स्टोरी में तजहीक की है, मजाक उड़ाया है, उस नाते से वो मुर्तिद है और मुर्तिद की सज़ा हमारी शरीयत में मौत है। खुमैनी का ऐलान अपनी जगह बिल्कुल सही है और सिर्फ खुमैनी का ही ऐलान नहीं है, खुद ब्रिटानिया में रहने वाले कई ऐसे मुमताज शहरी हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि मैं रश्दी को खत्म कर दूंगा। खुद बर्तानिया में रहने वाले, खुद उसके मुल्क में रहने वाले लोग इस बात का ऐलान किए हैं कि मैं रश्दी को खत्म करूंगा। तो खैर, हम जो हिंदुस्तानी मुसलमान मुजाहरा कर रहे हैं, हमारा बुनियादी हक है कि हम अपने मजहब के खिलाफ होने वाली किसी भी बात पर अपने गम गुस्से का इजहार कर सकते हैं। अगर यानी जो जुलूस में भी कुछ शामिल नहीं हुए हैं, कुछ ऊपर से देख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, ये भी मरे हैं,
ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अक्सर जलसों और प्रोसेशन के मौके पे जो इंटेंशनली जुलूस में शामिल होके जाते हैं उनको कुछ नहीं होता, लेकिन गुजरने वाले या इधर उधर बिल्डिंग में ठहरे हुए लोग इसका निशाना बनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे एक्का दुक्का भाई जो इस मामले में इन्वॉल्व न भी हो लेकिन वो पुलिस की गोली का निशाना बनते हैं तो उनको शहादत का दर्जा मिलता है। और फिर हमारे अपने तबके के मुख्तलिफ कमेटियाँ, मुख्तलिफ सोशल वर्कर्स उस मरने वालों के मुतालिकीन को हत्तल इम्कान तसल्ली देते हैं और जो उनसे कोशिश हो सकती है उनके घर को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, हमें उनका बहुत अफसोस है जो खामखा ही इस मामले में जद में आते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमको तो बराबर अपना काम तो करना ही पड़ेगा और छोटा सा नुकसान बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। शिवसेना लोकशाही मानत नाही, आम्ही शिवशाही मानतो। तिथल्या तिथे फैसला, ज्या वेळेला आम्ही मुंबई बंद केली केवळ बाळासाहेबांनी शिवसेनेने होकार दिला, म्हणून जनसंघाचे हे बीजेपीवाले, हे बीजेपीवाल्यांनी जाहीर केलं मुंबई बंद, शिवसेना आणि भाजप एकत्र। अरे शिवसेना नसते तर तुमची हिम्मत आहे का? आणि असेल हिम्मत आज हे परत मुंबई बंद करून दाखवा तुम्ही। समजलं? पुलिस आई, दरवाजा खटकाया, बोला भी सरदार आया कि नहीं आया, बोला नहीं आया, बोला कि उधर नागपाड़े उधर चाकू मारा किसी ने उसको, तो अभी एडमिट हॉस्पिटल में, जज हॉस्पिटल में जाओ तुम देखो। संसंताली में हमारे माँ बाप मर गए थे, संसंताली में जो झगड़ा हुआ, छोटे छोटे हम बड़े हुए, मैं 2.5 बरस की थी, अब बड़े होकर हमारा ये हाल हुआ। जो मोहम्मदन लोग से आजाद किया था उसमें हमारे जो शिवाजी महाराज थे उंगली काट के खून दिया था, जो हमारा शंकर का पिंड है, जो लिंग है हमारा, हमारा धर्म का, मराठी धर्म का, तो उनके ऊपर खून दे के उन्होंने ये किया था। हिंदू का रास्ते होना मांगता है, हिंदुस्तान है हिंदू का ही होना मांगता है, इसके लिए उंगली जो काटा है वो अपना धर्म के लिए काटेल है कि उसके धर्म के साथ अपन कभी गद्दारगिरी नहीं करेगा, इसके लिए काटेल है। जगदम्बा माता बोलते हैं उसका आशीर्वाद अर्जुन भी बाला साहब के पीछे है और वो ही खड़ी है उसके साथ, बाला साहब सब काम कर रहे हैं। आज का दिन बोले तो शिव जयंती इसे कहा जाता है, बम्बई के महाराष्ट्र के गली गली में ये उत्सव बड़े आनंद से और लोकप्रियता से मनाया जाता है, क्योंकि ये शिवाजी महाराज आप जानते ही होंगे ये महापुरुष होके गए, मुगल साहब ने पर प्रांतीय से छुड़ाया, इसलिए शिव जयंती उत्सव गली गली में मनाया जाता है। ओ
ये मंदाकिनी का एक मूवमेंट है, ये मंदाकिनी का नहाने का मूवमेंट है, ये हाथ से पानी उठा के ऐसा नहाती है। और गेट पे लक्ष्मी है बैठेला, वो लक्ष्मी विष्णु का पैर दबाती है। और वो दूसरा बाजू में दो हाथी है, वो स्टैचू है, वो पूरा पुराण में लिखे ऐसा मूवमेंट बनाया हम लोग। तो नंगी हो गई आजकल जैसी नंगी हो गई ले, एकदम नंगे हो गए ले, मतलब शर्म नाम की कोई चीज नहीं है लोग में। शॉर्ट्स भी कैसे कैसे देते हैं, बिंदास दे रहे हैं अभी। मैं बोल रहा था कि शिव जयंती के बारे में कुछ लोग ऐसे बोलते कि शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर आप लोग उत्सव मनाते, कि शिव जयंती के उत्सव में वो मंदाकिनी क्यों रखी गई है। अभी आज जो हमने शिव जयंती के तौर पर जो यहाँ मंदाकिनी लगाई है, दो दिन प्रोग्राम जो हुआ है, जो एक स्टैचू है जो यहाँ स्त्री स्नान करते हुए दिखाई है, तो कई लोग ऐसे पूछेंगे कि भाई ये क्यों लगाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के पहले इस देश में इतनी असुरक्षितता थी कि शिवाजी महाराज के चाची को भी गोदावरी के किनारे जब वो स्नान करने चली गई थी वहाँ से यौवन उठा के लेके गए थे। मतलब यह है कि शिवाजी महाराज के पहले इतनी असुरक्षितता थी कि बहू बेटियाँ आराम से नदी किनारे स्नान करने जा नहीं सकती या कपड़े धोने जा नहीं सकती। शिवाजी महाराज के जाने के बाद आज भी हम हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। आज भी ऐसे खुलेआम कोई भी बहू बेटी खुलेआम स्नान नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि शिवाजी महाराज को भवानी माता ने तलवार दी थी। अगर आज शिवाजी महाराज होते तो वो कहते थे कि भवानी माँ मुझे आज तलवार की ज़रूरत नहीं है, मुझे देना हो तो AK-56 दो, क्योंकि मुझे आज तलवार, आज जब आप देखेंगे मुंबई में जो बम स्फोट हो रहे हैं और बम स्फोट के बाद में जितनी हथियारें मिल रही है वो देखने के बाद अपने को पता चलता है कि आज तलवार की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ कहना है? नहीं बोलो ना, आपने कहा, इन्होंने कहा, वो सही कहा है, बहुत अच्छा कहा है, बोलो ना, इसके बाद में कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत अच्छा कहा। मैं बोला बोला यही कहना जरूरी है कि आज इसकी जरूरत है, इसी की जरूरत है। बोला भाई बोला। हमारा बामन देव का जो ये है बिल्डिंग का रखवालता ऐसा भगवान वैसा ये बामन देव है हमारा। शिव जयंती के एक बहाने अपने एरिया में अपने जन जागृति करना है, अगर ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके अगर कुछ उनको इस दीक्षा मिल सके तो वो हमें लाभदायक होगी। और इसी के साथ हमारा एक मनोदय है कि यहाँ पे तरुण है तो भी ज्वाइन कर सके। नंबर सा स्टार्ट पोज नंबर वन रिलैक्स पोज नंबर टू रिलैक्स धन्यवाद भागे चला। अभी मेरा उम्र 25 का है। मैं पहले स्टार्ट में अर्नॉल्ड का पिक्चर देखता था, बॉडी बिल्डिंग जो 7 टाइम ओलंपिया हुआ वर्ल्ड अर्नॉल्ड स्कॉटिंग का, तो उसका कैसेट देख के मुझे प्रेरणा मिली, तो फिर एक्सरसाइज करता गया, उसके बाद मैं एक्सपर्ट बन। एक्सरसाइज करने से सेहत अच्छी रहती है, जैसे कि कोई बीमारी नहीं होती एक्सरसाइज करने से। आजकल की फिल्में की वजह से सब लड़के बिगड़ गए हैं, चमड़ी के दीवाने हो गए, लड़कों की बॉडी यानी पिक्चरें देख देख के गल जाती है,
इस वजह से इन लोग बोले जान भी बन जाएगी, जिम भी रह जाएगी, इस वजह से इन लोग आते हैं वर्जिश करने। ये जान गल जाएगी क्या होता है? जान बोले जो जिस्म में यानी कि धात गिरती ना, आजकल के फिल्मों में एडल्ट शॉट वगैरह बताते हैं तो फिल्में देख देख के यानी कि जाने कम हो रही है, धात गिरने की वजह से इंसान गल जाता है। और अपने जो है सनी, अपन सनी भी अच्छा एक्टर है अपने लिए, जान है, बिल्ड है, इंडियन रैम्बो। रैम्बो इंग्लिश फिल्म का जैसा हीरो नहीं, फिल्म आई थी रैम्बो, फाइटिंग जिस तरह के उसमें शॉट्स थे फिल्मों में, बम बम अच्छे अच्छे हथियार। फैशन जो ऐसा हो रहा है वो हिसाब से ऐसा लगता है कि रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा थोड़े दिन में। और क्या बोले भाई, ड्रेस इतने शॉर्ट्स हो गए कि थोड़े दिन में कपड़ा नहीं रहेगा रोड पे जो चलेंगे तो, नो यूज ऑफ क्लोथ्स, हमारा रास्ते पे चलना दुश्वार हो रहा है। तुम रेप्स हो जाते हैं, फिर वही पुलिस की मगजमारी, मतलब गलती लड़की की नहीं और फैशन है। आप कभी पर्दे पे रेप देखते हैं या करते हैं? रेप रेप होता है कैसे क्या लगता है, अगर हकीकत में देखे तो थोड़ी पार्टनरशिप ले ले, फिल्मों में देख के तो कुछ एहसास ही नहीं होता है भाई, वो तो ना मर्द हुआ काम है जो फिल्मों में देख के एहसास करेगा, अब भी पर्दे पे चढ़ जावे। ऐसा पर्दे पे होना वो अलग बात है, अगर हकीकत में ऐसा देख रहे हो तो थोड़ी पार्टनरशिप ले लेंगे, और कोई पहचान मिशान वाली रहेंगी तो बचाव करेंगे, फिल्मों में देख के तो फिर पर्दे पे दिल होता है, पर्दे पे ही फिर वहाँ ही हाथ गाड़ी चालू। जोर से मारता है सबको, अच्छा लगता है। साड़ी डालती है क्योंकि लड़की एक बला है, लड़की एक बला है, ज्यादा नखरे दिखाती है, दादी ना ज्यादा नखरे दिखाती है क्योंकि लड़की लड़की होती है और लड़के लड़के होते हैं। Let me just say,
that the World Wrestling Federation is on Star TV. And when it happens, the Macho Man is going to be right here. I like Macho Man because he's strong and he's tough, no? So he's macho. And would you like to be like him? Yeah. Why? Because he's famous and he's quite rich and he's known all over the world. And he fights quite well. But I won't like the losing part, like when you start losing in the WWF, then it's not me. Because everyone knows you're a tough guy and then suddenly you lose. Everyone thinks you're weak. And he wouldn't like it, nobody will like it. If I keep teasing you weak, nobody will like it. Yeah, the weak get teased, that's right. And the strong can bully. देश रही जो कश्मीर में झंडा जलाते हैं, इधर इमरान खान का फोटो लगा के भारत पराभव होता है तो इधर फटाका बजाते हैं, वही देश रही बोलते हैं ना हम लोग। इसलिए हम लोग विधानसभा पे शिवसेना प्रमुख बोले विधानसभा पे भगवा झंडा लगना चाहिए, इसलिए हम सब बच्चे इकट्ठा होके उनके साथ में है। इलेक्शन तो ठीक सा सब शिवसेना भाजपा की तरफ से है इलेक्शन, सब अब लड़के लोग छोटे लड़के लोग वगैरह जो यंग ब्लड है वो लोग हमारे साथ ही है। शक्ति में बता देता हूँ, कैलाश पर्वतों के अंदर में हनुमान बजरंग बली गए थे और उन्होंने क्या बोला कि भाई सजीवनी बूटी ले आओ, देख लो बातों बातों में सब मैंने ये जड़ी का जूस देखो ये पानी में लिया, दरियाई ताल मखाना रगड़ पीस के ना मर्द को खिलाओ ये बना देगा मर्दाना, जवान आदमी की धात पानी हो गया रात में सोने में गिर जाती है, साहब ये बहती धात को मजबूत करता है, देखो ये जड़ी मैंने पानी में दिया और ये जड़ी का ताकत में आपको यहाँ बतलाया, जरा देख लो, जो नहीं जानता है तो क्या सोचेगा कि रोड पे डालने का डामर है, ये रेलगाड़ी का कोयला नहीं है, रोड पे डालने का डामर नहीं है, इसका नाम देखो देश में विदेश में ओल्ड में भारत में माना हुआ चीज है, देखो आपके मराठी में कहते हैं दगड़ाचा घाम और अरबी भाषा में कहते हैं पत्थर मुमियाद और हिंदी में कहते हैं शिलाजीत, बोलोगे हम शिलाजीत किसको खिलाएगा, खेत में खरियान में ऑफिस में दफ्तर में कारखाने में 12 घंटे का बाबू ने काम किया, बदन में कमजोरी नेम से 2 तोला सलाजित खाओ 80 साल का अवस्था हो जाएगा, 2 पैसे का टैबलेट नहीं खाओगे बाबूजी, हड्डी में कमर में बदन में जोड़ों में दर्द नहीं होगा और लास्ट नंबर में बाबूजी ऐसे आदमी को खिला देना, बात का गुस्सा नहीं करना, आदमी देखने में पहलवान है, ऊपर से लगते हैं बड़े हसीन और बिगड़ गया मसीन, कारखाने वाला नहीं तो रात में चलाते हैं साहब, मगर नीचे वाली मशीन कैसे बिगड़ जाती है देखो मैं बता देता हूँ कि देखो बाबू साहब, बहुत से आदमी अपनी मशीन को अपने हाथों से खराब कर लेते हैं, तो बहुत से आदमी क्या करते हैं कि देखो अपने नीचे वाले हथियार को पकड़ के भाई साहब रगड़बाजी नंबर लगा देते हैं ज्यादा, कोई भी डॉक्टर वैद्य को जाकर के पूछो आप, अगर गर्मी ये डंडे में चला गया तो मर्द का ये नीचे का डंडा बाबूजी कैसा हो जाएगा, ये देख लो मैं आपको बता देता हूँ, समझदारों के लिए बता रहा हूँ, ये आगे से हो जाएगा डबल,
पीछे में हो जाएगा बाबूजी पतला, और दो चार साल अगर साहब इसमें रगड़ा कर ज्यादा लग गया, मालिक जानता है बाबूजी सिलेंडर लटक जाएगा भुसावल के केले के समान। 25,000 रुपया लगा कर आप साथी बना लो। पहला एक चोट मारोगे गाड़ी पलट फरें पीनी जवान का सिंगल डाउन हो जाएगा। कसम मालिक का देता हूँ, आज मेरे से लेने देने की बात छोड़ो। खाली भैया दो रती सलाजी तभी फ्री देता हूँ, घड़ी लगा के काम कर लो। औरत मर देखी कपड़े में सो जाओ, टांग में टांग फंसा देना, सिलेंडर को निकाल के उड़ा देना, ऐसा जाएगा भैंस के तबेले में खूटा। 11 मिनट का रगड़ा मारोगे मर्द की धा दली होगा जैसे कमान से तीर। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी चा हा हिंदुत्वाचा विजय हा केवल महाराष्ट्रावरचा भगवा ध्वज नसेल तर श्रीनगर मध्ये नवे उद्या गरज पडली तर इस्लामाबाद मध्ये सुद्धा भगवा झेंडा रोवण्याची सुरुवात आम्हाला मुंबईच्या विधानसभेवरून करायची आहे। काय माणसेत रक्ताचा विचार नाही, जन्म कुठच्या कुळात झाला त्याच्याबद्दल काही त्यांना परवा नाही। इथे आमचा राग आहे, इथे आमचं रक्त सळसळतं, हिंदूंचं रक्त सळसळतं। मला एक दिवस या देशाचा पंतप्रधान बनवा, फक्त एक दिवस, एक दिवस, एक दिवसात पंजाब आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडून दाखवतो, एक दिवसात सहज शक्य आहे ते। जिथून जिथून आला आहात तिथून तिथून मात्र प्रत्येक मत आमचं पडल्याशिवाय राहणार नाही, आणि आमचे सगळे सोयरे आणि मित्रमंडळी हितचिंतक जेवढे आहेत त्यांचीही मतं मतपेटीत घालून हा विजय मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। गर्व से को हम, गर्व से को हम। तुमच्याकडनं जर ही शांतता आणि सुव्यवस्था सांभाळली जाणार नसेल तर माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल। जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। देश खतम झाला, हिंदुत्व आमचं उद्ध्वस्त झालं तर देशाला वाचवायला एक मायेचा पूत येणार नाही, तो फक्त तुमच्यातलाच मर्द निर्माण होऊ शकतो, आणि तो मर्द निर्माण करण्याचं काम आम्ही हिंदुत्वाच्या रूपाने करीत आहोत। हमें अधूरा कुछ नहीं चाहिए, ये अधूरा देश भी नहीं चाहिए और अधूरा आदमी नहीं चाहिए, हमको तो कटा हुआ कुछ नहीं चाहिए। इसलिए न देश कटा और न प्रांत कटा और न कटा हुआ आदमी चाहिए। इसलिए जो लोग कहते हैं यदि वहाँ मंदिर बनाया गया तो देश बट जाएगा, मैं कहता हूँ कि यदि इन हिजड़ों ने ऐतिहासिक रूप से अपमानित और नपुंसकता के आरोप से पीड़ित हिंदुओं के क्रोध ने अश्लील रूप धारण कर लिया। सुन्नत के कारण मुसलमानों को लांडिया या कटुआ कहकर पुकारा जाने लगा, मगर पितृसत्ता समाज की भाषा पर सिर्फ मर्दों का एकाधिकार नहीं है, यह साध्वी रितांभरा के भाषणों से साबित होता है। साधु रितंबरा हमें हथियार चाहिए, हमने कहा क्या करोगे तो कहा राम भक्तों के हथियारों से निपटेंगे, मुलायम सिंह से निपटेंगे। मैंने अपने नौजवान बंधुओं से अनुरोध किया कि मेरे भाई ये तो बताओ कि तुम एक हिजड़े को मारने के लिए एक गोली बर्बाद करोगे। प्रताप का गुरुज उठाओ नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। आज समय है कायरता नपुंसकता के लबादे को फेंक के बहादुरी और वीरता के गीत गाने का। ज्यांच्या मर्द पणाला नाही पारावार त्यांच्यासाठी कडक चहा दमदार। टायगर टायगर वाघासारख्या मर्दांसाठी टायगर टायगर लेफ्टन टायगर चहा। बाकी सारे विश्व आर्यों का था, अनार्य का अर्थ जंगली नहीं था, जैसा डेनमार्क
तो सारी दुनिया में सबसे गो अच्छी हो तो ये डेनमार्क में, धेन धेन माने गाय, तो वो डेनमार्क है उसका उन्होंने डेनमार्क कर दिया। जैसा ये रूस, रूस नहीं ऋषि मुनियों का देश है, चीन नहीं प्राचीन है, सारे विश्व वही भारत था, लेकिन धीरे 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 अभी भारत का पाकिस्तान हुआ, इसलिए छोटा बन गया। आयुर्वेद कहा जाता है, किताबें पढ़ो, संस्कृति देखो। चरक शास्त्र किसे बोलते हैं आप में से किसी को मालूम नहीं, ऋग्वेद किसे बोलते हैं किसी को मालूम नहीं, यजुर्वेद किसे बोलते हैं किसी को मालूम नहीं, हमारे वेद कितने, हमारी संस्कृति क्या है किसी को मालूम नहीं। खाली सांडे का तेल मलो, शिलाजीत खाओ, वही याद है, बाकी कुछ नहीं। आजकल सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मुझे बड़ा रोना आता है कि इस देश को क्या हो गया है, हमारे नौजवानों को क्या हो गया है, यहाँ से ओलंपिक जाते हैं और एक मेडल भी नहीं लाते। मेरे को इतना गुस्सा होता है कि साला हिंदुस्तान में जब 60 साल का बुढ़ा बच्चा पैदा करने की ताकत रखता है तो क्या 20 साल के नौजवान को सेक्स की दवाई खानी चाहिए? बड़े शर्म की बात है, हमारे देश का 30 साल का नौजवान क्या सेक्स में कमजोर है? आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, हमारे देश का नौजवान सेक्स में कमजोर नहीं है, ये सब साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है मालूम है? 12 साल का लड़का ब्लू फिल्म देख रहा है तो वो कमजोर नहीं होगा तो क्या होगा? हम अपनी संस्कृति भूलता जा रहे हैं। आजकल 5-5, 10-10 चैनल हो गए लेकिन सब चैनल बेकार है। डिंपल कपाड़िया साबुन का एडवर्टाइजमेंट देती है, पूरा कपड़ा उतार के छलांग मारती है, तो विज्ञापन देखता है वो चालू कर देता है, उसमें उसका सेक्स में कमजोरी आ जाता है। शर्म करने की क्या बात है, अरे मर्दों के काम है करो। लेकिन औरत के अंदर मर्द से 9 गुना सेक्स ज्यादा होता है लेकिन वो बताती नहीं। कौन नहीं बताती? भारतीय नारी, क्योंकि उसको शर्म रहती है, लज्जा रहती है, इसलिए बोलती नहीं है। और मर्द से 9 गुना सेक्स उसके अंदर ज्यादा रहता है लेकिन उसके अंदर मर्द के अंदर 3 कमजोरी आ जाती है, इसलिए वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता। पहली कमजोरी आती है वीर्य पत्ता हो जाता है, कमजोर पड़ जाते हैं। पहले तो बच्चे होते नहीं, होती हैं तो सब लड़कियां होती हैं, ये लिंग छोटा पड़ जाता है। शादी के बाद बाइकों को सेटिस्फेक्शन देने की ताकत नहीं रहती, संतुष्ट नहीं कर पाता, मालिक जानता है। ऐसे आदमी इधर देखो, ऐसा पैंट बटन नहीं खुला, टच धक्का नहीं था तो पानी के मापिंग नहीं जाता है। अगर ऐसा कोई भाई है, बचपन में गलती की, हस्त में तुम क्या, दारू की, रंडीबाजी की, सेक्स में कमजोरी आ गई, वीकनेस है, ये 20 गोली जो 10 दिन चलती है सिर्फ 10 रुपए लेता हूँ, 10 रुपए दे रहा हूँ, 10 रुपए देता हूँ, 10 रुपया सुनो जाना नहीं, ये सही चीज है। इधर देखो मालिक जानता है, एक हाथ ले लीजिए, पढ़ा लिखा आदमी कभी छोड़ेगा नहीं, इधर से फटाफट एक हाथ ले लीजिए, इधर से एक हाथ, शक्ति पैदा करने के लिए आयुर्वेद। इधर देखो हमारे देश की संस्कृति है, आप आयुर्वेदिक पढ़िए तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसका महत्व क्या है। इधर से दो आप ले लीजिए, अरे यहाँ मालिक जानता है। इधर देखो जज, वकील, बैरिस्टर, आईएएस ऑफिसर एक एक दर्जन लेकर जाते हैं, और जो संस्कृति भूलता जाएगा वो देश बहुत पीछे चला जाता है। अभी शेरे कर्नाट का गरजने वाले हैं। दोस्तों ये बीमारी है, ये बीमारी काय की बीमारी जो हमें लगी है, जो कैंसर से भी खराब है, कि हमें बर्दाश्त करने की बीमारी लग गई। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब पहला फसाद हुआ था, जब पहले मासूम हमारे भाई का खून हुआ था, काश कि हम उस वक्त मुत्तहिद हो जाते,
तो आज ये नौबत नहीं आती। हजारों खुदाओं को मानने वाले तो एक हो गए, लेकिन एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक काबे को मानने वाले एक नहीं। बाल ठाकरे साहब, अरे इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों के बुजुर्गों ने कुर्बानियां की हैं, अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, और आज वो कहते हैं कि मुसलमान की जगह या पाकिस्तान में है या कब्रिस्तान में है। अरे उन्हें मालूम नहीं, 42 साल तक मुसलमान इस देश में रहा, तुम्हारे जुल्म और सितम का मुकाबला करते रहा, और ये जानकर रहा कि उसे इस देश में रहना है, वो इस देश का वासी है, और इस मुल्क में रहेगा मुसलमान इज्जत की जिंदगी से रहेगा, जिल्लत की जिंदगी से नहीं रहेगा। तुम डराओ नहीं उस कौम को जो टीपू सुल्तान की औलाद है, उस कौम को जिसकी तारीख शाहिद है कि मजहब के लिए उसके चीर ख्वार बच्चों ने अपनी जान अजीज को कुर्बान किया है। ये वो कौम है जो मौत से नहीं डरती, उसका अकीदा है कि अगर वह मजहब के लिए मरता है, मजलूमियत के साथ मरता है, तो वो शहीद है। और ये जुल्म रहेगा नहीं जाएगा, भागलपुर हो, मलियाना हो या मीरठ हो, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, अरे खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। सुन ले बाल ठाकरे दुश्मन, मुस्लिम लीग के परचम की ऊंची शान हो यारब, हो जाए मुसलमान सारे, हम तो दुआ करते हैं, हम ये दुआ करते हैं, हम ये दुआ करते हैं, मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाओ, बशीर पटेल साहब को जिताओ, पहचान लो तरफ के विजय समारोहों के दौरान अतिवादियों के भाषणों का प्रभाव देखकर लगता है कि अगली जंग वोट से नहीं चोट से लड़ी जाएगी।
अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विनाश ने समूचे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया। वो उधर से छोकरे लोग आए और इतने छोकरे आके आग लगाए, उसके बाद में उन लोग पत्थर फेंके। उन लोग पत्थर फेंकते के साथ पुलिस जाके बाजू खड़ गए। उधर से आके पूरा घरां के ऊपर चढ़ेंगे ना, पूरा कवेली पूरा हाथ से तक आग लगाए। लोग औरतें भाग रहे, बच्चे भाग रहे, आग लगा रहे। देखने गए तो गोली मार। पुलिस हम लोग को बंदूक दिखाती थी, उन लोग को कुछ भी नहीं बोलती थी। पहले पत्थर फेंकता है, फिर आंगर फेंकता है। अब पुलिस हम लोग हम लोग का खिड़की पे देखो, दो गोली मारा पुलिस ने। और उन लोग का साथ में उन लोग का हाथ से बोलती है जाओ जाओ बोल के। हम लोग खिड़की में से देखने को भी नहीं, क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे नहीं किधर से उन लोग। तभी तो पुलिस उन लोग का साथ दे रही थी। मैं तो उन लोग के सामने बोल रही हूँ, पुलिस उन लोग का साथ दे रही थी पहले। सच में है, सच है। चारों तरफ से हिंदू लोग ने घेर लिए ना, अभी वहाँ राशन दुकान से सब आके घेर, सब जगह से हम लोग को घेर रहे। वहाँ ये मार्केट में आग लगा है, भंगी वाला हाईवे के पास, चचा नगर सब जल गया है एकदम। औरत पर जुलुम किया है, कितने आदमी को मारा है। एक लड़की को तलवार मारा है सिर पर, एक लड़की को पर जुलुम किया, तो भाई बचाने गया तो उसको काट दिया। यहाँ बोट में लिख के टांग दिया था नीचे, बोले सूरत में जैसा हुआ माँ बहन पर, इसी तरीका का यहाँ पर भी माँ बहन पर हमला करेंगे। अगर हम लोग ऐसा क्या गुनाह करें भाई, हम गुनाह क्या करें, हमारे पता क्या है जिसकी सजाएं हमारे को जो मिल रही है। आज एक दिन की बात नहीं है, 40 साल हो गया हमारे को इस जमीन पर हम रहते हैं। 40 साल कहां जाएंगे। सुविधा के लिए आपकी सेवा में गोरखपुर के लिए एक विशेष गाड़ी चलाई जा रही है। गोरखपुर जाने वाले यात्रियों के लिए 6 आदमी खत्म हो गए हैं। इधर पर काम करता रहा हमारा आदमी की सिलाई का काम, अभी वो कितना दिन से काम बंद है, बहुत दिन से बैठा हुआ, वो जब से लफड़ा चालू हुआ फास तब से बैठा हुआ है। आदमी कितना का करेगा, बच्चा को तो इसकी करना चाहिए ना, बच्चा तो भूखा नहीं मरने से ना, तो उसी गति जा रहे हो कोलकाता घर पर। मेरा नाम है अशरफ अली, BST बस ड्राइवर। हमारे पिताजी का नाम था शेख फिरंगी, स्वतंत्र सैनिक थे ब्रिटिश के टाइम में। बस्ती तथा गोंडा होते हुए गोरखपुर जाएगी। अंदर यार ए गुलाब, कचरा भरा हुआ उसको फेंक दो पहले, अंदर कचरा भरा कब से कैंप रिलीफ कब से हो रहा है? मंडे से स्टार्ट है। और ये कैसे यानी कौन चला रहे हैं इसको? ये सब माइम के आवाम है, जो यहाँ पे सोशल वर्कर्स हैं, दो चार कमेटीज हैं, वो सब इसको रिलीफ कर रही है। कितने लोगों को आप खिला रहे हैं अभी? फिलहाल तो 8,000 है, और 3,000 कोई फिशरमैन में गया, कोई बांड्रा चला गया। 175 खानदान तो बेघर हो गया, जिनके लिए कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए, ना पकाने के लिए सामान है, ना छत सर छुपाने के लिए छत है, तो सब तबाह हो गया वहाँ पर।
12 तारीख को सास के यहाँ गई अपनी, 12 तारीख को रात में 9 बजे हम लोग निकले, तो उन्होंने बताया कि हमारे पड़ोसियों ने ऐसा बताया कि मलाड में कुछ आग वगैरह लगी है। तो शायद ने कहा चलो सीमा चारकोप चलकर देखते हैं क्या हालात हैं, क्या हालात हैं। जब चारकोप हम लोग गए तो जैसे अंदर गेट के अंदर घुसे हैं हम लोग, तो दरवाज़ा हमने खोला, मैंने खोला, खोल के अंदर देखा पीछे से शायद आके, शायद पीछे हट गए, मैं आगे हो गई। तो शायद ने सब दिखा तो घर सब टूटा, सामान सब ख़त्म, जो बाहर का सामान था ले जा चुके थे सब, घर को आग लगा चुके थे, तोड़ चुके थे। शायद ने मुझसे कहा कि सीमा आप सब्र करो, अल्लाह हमको और देगा, चलो। जैसे हम रिटर्न हुए तो सब्र करो बोलो, रिटर्न होते वो लोग ने देखा, वापस देखा तो 25-50 आदमी खड़े थे। वैसे ही शायद को बाहर करना शुरू किया तो शायद कहने लगे कि भाई ये मेरा घर है, मेरी बीवी है, मैं अपना घर पे आया हूँ, तुम लोग को कुछ मानने करना नहीं है, मैं तो खुद लीडर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, मेरी वाइफ भी सोशल वर्कर लीडर है, आप गलत समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हर मुसलमान को इसी तरह मारते हैं और मारेंगे, जिस तरह सद्दाम ने किया वही हम हशर करेंगे। एक साइड में शाहिद को मारने लगे और एक साइड मुझे उन्होंने पकड़ लिया पहले कस के, तो शाहिद को गेट के पास ले गए और ले जाके 2-3 सरिये मारे, तो शाहिद तो वहाँ, मुझे नहीं मालूम कि फिर शाहिद तक क्या किया उन लोग ने, मुझे दूसरी साइड ले गया, दूसरी साइड ले जाके पूरी बिल्डिंग में वहाँ मेरा कमीज फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद पूरी बिल्डिंग में ये साइड से वो साइड से उन्होंने 6 बजे तक मुझे घुमाया। 20-25 में चार जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे सलूक किए हैं, पूरे वो लोग ने राउंड लगाया कि मुझे वो लोग घर पर लेकर आए वापस, मेरा सब जेवर उतारा, कान का हाथ का उसमें से पैसा जेवर लिया, ये सब पड़ोसी और सब बिल्डिंग वाले और झोपड़े वाले देख रहे थे। उन्होंने कहने लगी कि देखो मुझे भाभी ये लोग ऐसा करना मेरे मर्द के साथ, आप मुझे खाली घर में लो, तो उन्होंने भी घर में नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया, सब लोग खड़े देखते रहे इसी तरह से। फिर वो लोग घर में लेकर आए, घर में शाम हो चुकी थी, मुझे घर पे आके धक्का दे दिया, मैं वहाँ गिरी। गिरने के बाद जब मुझे होश आया तो कपड़े वगैरह मेरे पास नहीं थे, वहीं मैंने कपड़े उठ के पहने आहिस्ता, और पहनने के बाद बाहर पुलिस वाले वहाँ खड़े थे 2 गाड़ी लेकर, तो मुझसे कहने लगी कि भाई साहब मेरी हालत ये है देखिए, और मेरे मर्द को वहाँ लोगों ने मारा है, आप ज़रा चल के देखिए। तो उन्होंने मेरे साथ नाजायज़ बात करना शुरू कर दी, उसमें एक ने मैं ऐसा लेती रही बराबर में बैठ के, मेरे पूरे जिस्म पे उन्होंने इस तरह से हाथ चलाया, ऊपर से नीचे करते रहे ऊपर नीचे, और तो उनको ऐसे टाइम पे बुलाया, मेरी हमदर्दी की ज़रूरत थी या मेरे साथ अच्छे सलूक की ज़रूरत थी, उस टाइम पे अगर उनको भी चांस मिलता तो वही ये वही करते जो वो लोग ने किया मेरे साथ। उसके बाद फिर ये लोग मुझे हॉस्पिटल ले आए, 2-3 दिन में भगवती रही, फिर उसके बाद होली फैमिली में रही, वहाँ से मैं फिर घर पे यहाँ आ गई, और उनके माँ बहन ने मुझे बताया भी नहीं। 3 दिन के बाद उन लोग उसको शाहिद को दफन वो लोग ने किया है, मतलब कब्रिस्तान लेके गए हैं, मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे मर्द का ऐसा हो चुका है। ये सब मैं जो मुल्क में जाती थी सब उनके खत लिखे हुए हैं, इनके ये है शायद, ये है देखिए। मेरा नाम तो शहनाज है और शाहिद मुझे सीमा, सीमा के नाम से कहते हैं। औरत को मर्द की संपत्ति समझा जाता है और बलात्कार मर्द का विजय प्रतीक। अब बारी है मुसलमानों की नामर्दी के एहसास का बदला लेने की। नतीजा बम विस्फोट। इधर हम 53 साल से मिल में काम करते हैं, बॉम्ब शॉट हो गया उस टाइम हम तो यही था मिल में। बहुत से लोग बोलने लगे कि तुम घर जाओ घर जाओ, तुम्हारा औरत बच्चे लोग किधर गया है। हम इससे से बहुत डर लग गया अपने को। जब हम हॉस्पिटल में गया तो अपने को रात को 12 बजे अपने को पता लगा कि तुम्हारा छोकरे का बॉडी तो अंदर है लेकिन लड़की का बॉडी मिला नहीं है।
सुबह अपने को लड़की की बॉडी मिली, खाली नाक और गाल से लग था, हाथ के चार चार टुकड़े हुए। कॉरोनर में गया तो कॉरोनर में या हमारा लड़किया है उसके ऊपर और दूसरे लोग भी अधिकार सांग रहे थे कि ये लड़की हमारा है करके। तो बोले कि नहीं, तुमको बॉडी है अभी तो मिलने वाला नहीं, सही पुरावा देना पड़ेगा तुमको। बाद में अपने को ध्यान में आया कि लड़की का पाँव कट रहा था एक साल के पहले। हम बोला कि पाँव को लगाए, उसको टाके लगाए होंगे, इतना हालत था वहाँ। वसंत, लड़की का नाम शशिकला। वो डॉक्टरी के लिए कॉलेज में जाती थी। इसमें तो सब लोग किसी जिसको जल लगेगा वही खलास हो जाता है, वही मरने वाला है उसमें। तो इसमें हम किसी के बारे में क्या बोलेंगे कि यह आदमी कौन है, ये कौन है, ये मत मारना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। गोली जब छुटने के बाद सामने का आदमी मर जाता है, ऐसा ये जो होने वाला है उसमें जो आदमी मिलेगा नज़दीक में वो सब मरने वाले उसमें। आज इधर बाप ने मस्जिद तोड़ दिया, उधर ये तोड़ दिया, और किसी के कारण से ये कुछ चल रहा है इसका भी कोई पता नहीं। हम इसके बारे में क्या बोलने वाले हैं? अपने को बाबर के क्या बारे में क्या मालूम है, बाकी किसी के बारे में क्या मालूम है? और हमने देखा है किसी को, ये हर जगह कोई ना कोई घातपात का प्रकार हो ही रहा है। किधर गोली चलती है, किधर स्फोट होता है, किधर और कुछ होता है, और किसी का गुस्सा करने वाला है। जो ये करने वाले है वो अलग ही रहते हैं, बाजू में ही रहते हैं। खाली जो गरीब कामगार के गरीब जो लोग हैं वो उसको जो मालूम नहीं होता है कि क्या होने वाला है, वही आदमी मर जाता है। और जो ऊपर वाला जो बोलता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना इधर राम मंदिर पर चाहिए, इधर अमुक पर चाहिए, वो लोग तो अच्छे है, उसको कोई हुआ नहीं। सारे मला बाप घड़ो बटे मला माझ्या मुलांची मला ही होता। आता हे बोलणं पण मला सर होत नाही। एवढी लहानाची मोठी मी केली, मुलाला माझे कशी सांभाळे तर माझे मला वाईट। दोन मुलं म्हणजे माझी लई हुशार होती, बरं हुशार। शाहिद की तो दुनिया से दोस्ती थी। रंजीत भानो साहब हमारे भाई के जैसे हैं। मेरा वहाँ आना जाना शाहिद का बहुत प्यार, मतलब आपस में अच्छे अच्छे बड़े बड़े सब लोगों से हमारा ताल्लुकात थे, बहुत अच्छी बातचीत थी। और शाहिद तो ऐसे थे कि मतलब सबसे दोस्ती रखते थे, किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा मैं बोलती कुछ हूँ, लिखते कुछ हैं, मेरी कंप्लेंट क्या होती है बताती हूँ। देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो लोग उसके अपोजिट लिखते हैं। अभी शैला बहन जिस रोज से मेरे साथ हैं, ये हमारी सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर ना हमारे नहीं काम बताइए। अरे बहन है मैं आपकी, नहीं बहन तो मेरी तो सगों से ज़्यादा हो गई, क्योंकि मेरे लिए जो किया है, जो कर रही हैं मेरे साथ हैं, मेरी माँ बहनों से ज़्यादा इन्होंने किया है और कर रही हैं मेरे लिए। तो इनके साथ मेरी जो रिपोर्ट वगैरह गई हैं बहुत अच्छी जा रही हैं अभी तो। तो मुसलमान तो दुश्मन नहीं है, ना है ना होगा, एक ही ने बनाया है, आप भगवान के लो या हम खुदा के लें। जो मेरे साथ किया है तो मैं सोचती हूँ कि मेरी बेइज्जती नहीं, कि उन्होंने अपने हर बहन बेटी के साथ इसी तरह से किया। ये मेरे इलाका सांता गुरुज के हैं, अपने शैला बहन मेरी बहन से ज़्यादा मेरे लिए कोशिश कर रही हैं, शमा हैं, इन्होंने भी मेरी हेल्प की। तो इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसे टाइम पे मेरा सभी साथ दे रहे हैं। लोग
क्रौर्य म्हणजे वीरता असं ज्यांना कळलेलं आहे, क्रौर्य म्हणजे वीरता नाही. तुम्ही आणि मी सांगितलं पाहिजे की नाही माझ्या शेजारच्या कोणाच्याही घरावर मी हल्ला करू देणार. मग त्याचा धर्म काय आहे हे मला माहिती नाही. तो माझा शेजारी आहे, आम्ही या देशात राहतो. माझ्या बहिणी इथे बसलेल्या आहेत. मला सांगा की ज्यावेळेला दंगल होते त्यावेळेला बाई त्या विरुद्ध उभी राहिली पाहिजे. यापुढे स्त्रिया, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जे जे पीडित आहेत ते एकत्र आले तर या कोणत्याही धर्मवाद्यांपेक्षा आपली संख्या मोठी आहे. भावांनो आणि बहिणींनो, एवढी हात पुरेशी आहे. हमें चाहिए आजादी. अरे हमें चाहिए आजादी. अरे बलात्कार से आजादी. अरे कामवाद से आजादी. अरे अत्याचार से आजादी. अरे छेड़छाड़ से आजादी. अरे पुलिस से आजादी. अरे हमें चाहिए आजादी. किसका घर बन रहा है ये? ये हमारे पड़ोसी है साहब. यहाँ के कैसे गिरा इनका ये दंगे के अंदर? ये काफी यहाँ पे कुछ आग वाग लगा दिए थे सामने वाले लोगों ने, दंगे के अंदर ये जला हुआ है सब. काम करने के लिए हम लोग सब साथ में है यहाँ पे. ऐसी मुस्लिम भी है और मराठी भी है. हम जिस जगह पे खड़े हैं ये रूम भैया का है, मराठी भैया जी है, उनकी औरत भी यहाँ पे खड़ी भी है अभी. अच्छा, और आप? हम यहीं पे बाजू में ऊपर के साइड में रहते हैं. आपका क्या नाम है? सैयद इस्माइल, सैयद वजीर. तो आप हिंदू भाई का घर बांधे? हाँ जी. आगे आगे बोलो ना. हाँ हाँ, इनका घर है. देखो ऐसा आ जाओ आगे और आप आराम से बोलो जो कुछ भी. मानव अस्तित्व के 50,000 साल पुराने सबूत मिलते हैं. युद्ध का इतिहास सिर्फ 5,000 साल पुराना है. क्या इससे पहले एक ऐसा भी समाज था जहां मर्दानगी की जगह ममता थी? बीते हुए कल को याद करने से भी ज्यादा जरूरी है आने वाले कल की कल्पना.